नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है CABG या फिर हम कह सकते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो कोरोनरी जो टर्म है वो रिलेटेड है हार्ट से, आर्टरी वैसल बाईपास होना, और ग्राफ्ट मतलब कि कुछ चीज़ बाहर से ऐड करना या उसमें जो नेचुरल चीज़ें हैं हार्ट की उससे कुछ अलग करना, तो ये कहलाता है CABG। इज ए सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू ट्रीट कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो CABG क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि कोरोनरी हार्ट डिजीज को ट्रीट करने के काम में लिया जाता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज में क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं उसमें क्या हो जाता है, प्लैग बन जाता है, जिसकी वजह से जो आर्टरी का ल्यूमन है वो कम हो जाएगा। अभी उसको इतना स्पेस मिल रहा था और इस प्लैग के बनने से, इतना स्पेस मिलने से क्या होगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज में जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है और हार्ट का काम उससे प्रभावित हो जाता है। तो इस स्थिति में ये प्रोसीजर किया जाता है जिसको हम बोलते हैं CABG। एक कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट CABG, ऑफन कॉल्ड CABG, इसको शॉर्ट में CABG भी कहते हैं, एंड प्रोनाउंस्ड कैवेस, और इसको कैवेस भी कहा जाता है, इज कॉमनली नोन एज बाईपास सर्जरी, और इसको बाईपास सर्जरी भी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ऑल्सो कॉल्ड, और क्या कहते हैं इसको, हार्ट बाईपास सर्जरी भी कहते हैं इसको, इज ए सर्जिकल प्रोसीजर एक्चुअली टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द हार्ट, हार्ट के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए ये हार्ट है, ये राइट साइड ऑफ हार्ट, ये लेफ्ट, ये एट्रियम है, वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। तो जो हार्ट में ब्लड सप्लाई कर रही होती है कोरोनरी आर्टरी, वो यहाँ से हो गई है ब्लॉक, तो ये हो गई ल्यूमन छोटी। तो क्या करेंगे हम बाईपास करने के लिए, और जो हमारा शरीर है या पेशेंट का शरीर है उसकी आर्टरी ली जाती है किसी अलग पार्ट से, या तो लेग से या इंटरनल मेमोरी आर्टरी, वहाँ से आर्टरी कट करके यहाँ पे जैसे ब्लॉकेज है तो यहाँ से कनेक्ट करके उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है, और ये वाला पूरा पोर्शन अलग हो गया और फ्लो यहाँ से ब्लड का यहाँ पर हो गया। तो उससे क्या होगा, जो कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन था वो बदस्तूर चलता रहेगा और हार्ट को सप्लाई होती रहेगी, और ये वाला पार्ट हट जाएगा। ये वाला पार्ट यदि जैसे ब्लॉक है तो यहाँ से यहाँ बाईपास कर दिया जाता है जिससे कि फ्लो प्रॉपरली बनता रहे, तो इसीलिए इसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। CABG इज ऑफन इंडिकेटेड व्हेन कोरोनरी आर्टरीज हैव ए 50-99% ऑब्स्ट्रक्शन, जब कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उनमें 50-99% ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तब ये यूजुअली प्रोसीजर किया जाता है। इट डाइवर्ट्स ब्लड अराउंड नैरोड और क्लॉक पार्ट ऑफ द मेजर आर्टरी टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, जैसा कि अभी हमने बताया था, ये बाईपास कर देता है जो वेसल है उसको, और इसलिए हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है। दिस इज सप्लाइड बाई टू लार्ज आर्टरी, जो हार्ट है दो लार्ज ब्लड वेसल्स द्वारा सप्लाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम होता है, आर्टरीज कैन बिकम नैरोड एंड हार्डन्ड बाय बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट कॉल्ड प्लैग, फैटी डिपॉजिट होने से उसमें वो नैरो हो जाती है या तो, या फिर ब्लॉक हो जाती है। तो उस कंडीशन में जब 50-99% ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो किया जाता है CABG। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंडिकेशंस कि CABG कब किया जाता है। CABG इज जनरली रिकमेंडेड व्हेन देयर आर हाई ग्रेड ब्लॉकेज इन एनी ऑफ द मेजर कोरोनरी आर्टरी एंड और परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन हैज़ फेल्ड टू क्लियर द ब्लॉकेज। तो जब जो दोनों मेजर आर्टरीज हैं हार्ट की जो हार्ट को सप्लाई करती हैं उनमें हाई ग्रेड ब्लॉकेज आ गया हो, या तो, या फिर जो परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन है PCI फेल्ड हो गया हो ब्लॉक को क्लियर करने में, तो उस कंडीशन में ये किया जाता है। वन और मोर सिग्निफिकेंट
स्टेनोसिस ग्रेटर देन 70% स्टेनोसिस है ब्लॉकेज इन ए पेशेंट विद सिग्निफिकेंट एंजाइनल सिम्टम्स हैं उसको, और डेस्पाइट मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी, उसको पूरी मेडिकल थेरेपी दे दी जा चुकी है एंजाइनल डिस्कम्फर्ट के लिए, एंजाइनल सिम्टम्स के लिए, लेकिन फिर भी वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं और उसको 70% स्टेनोसिस है, तो उस कंडीशन में भी CABG कर देते हैं। वन वेसल डिजीज ग्रेटर देन 70% इन ए सर्वाइवर ऑफ सडन कार्डियक डेथ विद इशेमिया रिलेटेड वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, इस ये वेंटिकुलर टैकीकार्डिया हुआ है इशेमिया रिलेटेड, और उसका जो वेसल डिजीज है ब्लॉकेज है वो 70% से ज़्यादा है, तो उसको भी CABG डॉक्टर्स कर देते हैं। तो ये हो गए इंडिकेशन। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन टू CABG इंक्लूड पेशेंट रिफ्यूज़ल, पेशेंट रिफ्यूज़ करता है, कोरोनरी आर्टरी इनकॉम्पिटेबल विद ग्राफ्टिंग, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो ग्राफ्टिंग सूटेबल नहीं है, एंड द एब्सेंस ऑफ वायबल मायोकार्डियम टू ग्राफ्ट, और वायबल मायोकार्डियम नहीं है ग्राफ्ट के लिए, उसको ग्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है CABG। बिफोर अंडरगोइंग CABG से पहले कुछ इमेजिंग और लैब टेस्ट किए जाते हैं। CABG विल नीड टू अंडरगो सेवरल टेस्ट टू सी इफ इट इज सेफ टू हैव दिस सर्जरी एंड वेदर और नॉट नीड द सर्जरी इन द फर्स्ट प्लेस। तो CABG प्रोसीजर करने से पहले या सर्जरी करने से पहले कुछ इमेजिंग टेस्ट और ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि ये पता लग सके कि ये पेशेंट जो है वो सर्जरी को सहन कर पाएगा या नहीं, या उसके लिए सर्जरी सूटेबल है या नहीं। द पोटेंशियल टेस्ट इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग, कौन कौन से हैं ये? ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG और EKG, ECG और EKG, इकोकार्डियोग्राम ECO, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, न्यूक्लियर कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, देन कार्डियक कैथेटराइजेशन, एक्सरे एंजियोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन एंजियोग्राफी, कोरोनरी कैल्शियम स्कैन, लैब टेस्ट सच एज कंप्लीट ब्लड काउंट दैट एनालाइज पेशेंट्स कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर एंड अदर फैक्टर्स। अदर पॉसिबल टेस्ट इंक्लूड यूरिन टेस्ट दैट एनालाइज हाउ वेल द किडनीज ऑफ पेशेंट इज फंक्शन, कि किस तरह से जो पेशेंट की किडनी है वो फंक्शन कर रही है, इसके लिए हम यूरिन सैंपल लेते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे वेरिएशन ऑफ दिस सर्जरी, और हम कह सकते हैं टाइप ऑफ CABG कि कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है ऑफ पंप CABG। ऑफ पंप CABG में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ CABG डज नॉट यूज ए हार्ड लंग बाईपास मशीन। तो एक हार्ड लंग बाईपास मशीन होती है जो कि हार्ट की सर्जरी करते वक्त हार्ट उसमें थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया जाता है सर्जरी के दौरान, और जो हार्ट का काम है वो करती है हार्ट लंग बाईपास मशीन। तो यहाँ पर क्या होता है ऑफ पंप, ऑफ पंप मींस इसमें हार्ट लंग बाईपास मशीन का यूज़ नहीं होता है। दैट मींस द सर्जन डजंट स्टॉप हार्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर एंड डज ऑल द वर्क वाइल हार्ट इज स्टिल बीटिंग, हार्ट बीट कर रहा होता है तभी सारे वो काम करते हैं। देन सेकेंड नंबर क्या है, मिनिमली इन्वेजिव CABG। तो ऑफ पंप के बाद हम दूसरा कह सकते हैं ऑन पंप। ऑन पंप में क्या होगा, हार्ट लंग बाईपास मशीन का यूज़ होगा और उस स्थिति में सर्जरी की जाएगी हार्ट की। देन आता है मिनिमल इन्वेजिव CABG में क्या होता है, दिस जैसा कि इसके नाम से ही है इन्वेजन, इसमें जो इंसीजन होता है वो कम होता है और उसी में CABG किया जाता है। दिस वेरिएशन ऑफ CABG डज नॉट यूज ए लार्ज इंसीजन एंड स्प्लिटिंग लिफ्टिंग ऑफ द स्टर्नम एंड रिब केस। तो इसमें ज़्यादा लिफ्ट करके स्टर्नम को रिब केस को नहीं किया जाता है, इसमें मिनिमल इन्वेजन दिया जाता है। इंस्टीड द सर्जन यूज मच स्मॉलर इंसीजन एंड एक्सेस हार्ट थ्रू द गैप बिटवीन सम ऑफ द रिब। दिस वर्जन ऑफ प्रोसीजर में ऑल्सो यूज द ऑफ पम्प टेक्निक, ऑफ पम्प टेक्निक में ये भी यूज होता है। देन आता है रोबोट असिस्टेड CABG। रोबोट असिस्टेड CABG में क्या है, सर्जिकल रोबोट्स आर हाईली एडवांस्ड मशीन्स।
जो सर्जरी करते हैं रोबोट, क्या सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं रोबोट, वो क्या होती हैं, हाईली एडवांस मशीन्स होती हैं दैट इज सर्जन कैन यूज़ टू परफॉर्म CABG सर्जरी। टू डू दिस ए सर्जन ड्राइव द रोबोट, मीनिंग दे कंट्रोल द रोबोट्स मूवमेंट। जो सर्जन होता है वो रोबोट की हर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। रोबोटिक सर्जरी यूजेस स्मॉलर इंसीजन का यूज होता है इसमें। रोबोटिक सर्जरी में इन्वॉल्व हार्ट लंग बाईपास और इट में यूज़ द ऑफ पम्प टेक्निक। तो मीन्स ये ऑन पम्प भी हो सकता है और ऑफ पम्प भी हो सकता है। हाइब्रिड प्रोसीजर नेक्स्ट है टाइप, हाइब्रिड प्रोसीजर। दिस वर्जन ऑफ द प्रोसीजर मिक्सेस CABG विद अदर टेक्निक्स और अप्रोचेस। तो इसमें CABG के साथ और जो टेक्निक हैं और या और जो अप्रोचेज हैं वो भी यूज की जाती हैं। दिस यूजली इन्वॉल्व्स रोबोट असिस्टेड CABG ऑन एटलीस्ट वन आर्टरी, बट नॉन CABG टेक्निक्स लाइक स्टंटिंग फॉर द रिमेनिंग डिजीज ब्लड वेसल्स। तो इसमें क्या करते हैं, जो एक ब्लड वेसल्स है उसमें तो कर दी रोबोट असिस्टेड CABG, देन दूसरा जो आर्टरी है उसके लिए क्या कर देते हैं, स्टंट डाल देते हैं उसमें, और इस तरह से सर्जरी की जाती है। स्टंटिंग इज द प्लेसमेंट ऑफ ए स्टंट ए डिवाइस विद ए फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर इन टू एन आर्टरी। Inserting a stent help hold the artery open because the stent acts as a skeleton inside the artery. तो इसमें stent में क्या होता है कि जो artery block होती है वहाँ पर क्या डाल दिया जाता है, stent डाल दिया जाता है, इसको press करता है ये और ये skeleton की तरह काम करता है, इसको ये narrow नहीं होने देता artery को, एक इसको hold करके रखता है और उसको open रखता है। तो एक आर्टरी में स्टंटिंग कर दी और एक में CABG कर दी, तो इसीलिए इसको कहते हैं हाइब्रिड। तो इस तरह से हमारे टाइप हो गए यहाँ पे, ऑन पंप, ऑफ पंप, मिनिमली इन्वेजिव एंड रोबोटिक एंड हाइब्रिड। देन हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल CABG प्रोसीजर क्या होता है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर एन इंसीजन इन मेड ओवर द ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम एंड द रिब केज इज कट। तो क्या किया जाता है, स्टर्नम के ऊपर ओवर इंसिजन दिया जाता है, रिब केस को कट किया जाता है एंड सेपरेटेड टू एक्सेस द हार्ट, जिससे कि हार्ट तक पहुंचा जा सके। टिपिकली द पेशेंट विल बी कनेक्टेड टू ए हार्ट लंग मशीन। तो ट्रेडिशनल में क्या है, ये ऑन पंप होती है, इसमें हार्ट लंग मशीन कनेक्टेड होती है विच टेम्परेरली टेक ओवर द ब्लड पम्पिंग फंक्शन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। जो क्या करता है, टेम्परेरी रूप से जब तक सर्जरी चलती है तब तक ब्लड पंपिंग फंक्शन को करता है। दिस अलाउ द हार्ट टू बी स्टॉप्ड इफ नीडेड वाइल द सर्जन परफॉर्म द ग्राफ्ट। तो इसमें क्या है, जब वो सर्जन ग्राफ्ट को परफॉर्म करता रहता है तो ये हार्ट को स्टॉप करने के लिए अलाउ करता है। वन और मोर हेल्दी थोरेसिक आर्टरीज और सेफेनस वेन सोर्स फ्रॉम द चेस्ट एंड लेग। थोरेसिक आर्टरी चेस्ट से और लेग से सेफेनस वेन इसमें ली जाती है ग्राफ्ट के लिए। रेस्पेक्टिवली आर ग्राफ्टेड टू द ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी, दस बाईपासिंग द ब्लॉकेज एंड रिस्टोरिंग सर्कुलेशन। आफ्टर द ग्राफ्ट हैज़ बीन शून इन प्लेस, ग्राफ्ट को स्यू कर लिया गया है, स्टिचेज लगा दिए गए हैं, द सर्जन में अटैच ए पेसमेकर टू नॉर्मलाइज द ब्रीदिंग टू बीटिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए पेसमेकर को अटैच करते हैं सर्जन। दिस इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इफ एन एक्सटर्नल हार्ट पम्प हैज़ बीन एम्प्लॉयड। तो जब एक्सटर्नल हार्ट पम्प लगाया जाता है तब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है पेसमेकर लगाना। वंस द हार्ट इज बीटिंग नॉर्मली द एक्सटर्नल हार्ट पम्प विल बी डिसकनेक्टेड एंड द पेसमेकर रिमूव। जब हार्ट नॉर्मली बीट करने लग जाता है तो एक्सटर्नल हार्ट पम्प को हटा दिया जाता है और पेसमेकर को रिमूव कर दिया जाता है। द स्टर्नम इज बायर बैक इनटू प्लेस, स्टर्नम को वापस से बायर कर दिया जाता है और इंसीजन को सुचर कर दिया जाता है। ए ड्रेन विल बी प्लेस टेम्परेरी और एक ड्रेन डाल दिया जाता है टेम्परेरी रूप से। टिपिकली द ट्रेडिशनल CABG इज इंडिकेटेड व्हेन 3 or 4 आर्टरीज आर बीइंग बाईपास्ड। तो जब 3 या 4 आर्टरीज बाईपास करनी होती हैं तो उसमें उसके लिए ट्रेडिशनल CABG प्रोसीजर को जनरली अपनाया जाता है। द एंटायर प्रोसीजर टेक्स 4 to 6 आवर्स। इस प्रोसीजर में 4 से 6 घंटे लगते हैं
एंड इज़ परफॉर्म अंडर जनरल एनेस्थेशिया, और इसको जनरल एनेस्थेशिया में परफॉर्म किया जाता है। रिकवरी टाइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 वीक, और इसमें रिकवरी यदि CABG प्रोसीजर हुआ है तो 6 से 8 वीक लगते हैं। द मेन ऑर्टा इज़ क्लैम्प्ड ऑफ, क्रॉस क्लैम्प ड्यूरिंग CABG सर्जरी के दौरान मेन ऑर्टा को क्लैम्प ऑफ किया जाता है टू मेंटेन ए ब्लडलेस फील्ड, जिससे कि ब्लडलेस फील्ड बन जाए सर्जरी के वहाँ पर, एंड इज़ अलाउड बाईपास टू बी कनेक्टेड टू द ऑर्टा, और उसको बाईपास को अलाउ कर दिया जाए कि वो ऑर्टा से कनेक्ट हो जाए। द मोस्ट कॉमनली यूज वेसल फॉर द बाईपास इज़ द सेफेनस वेन फ्रॉम द लेग, लेग से जो सेफेनस वेन है वो मोस्ट कॉमनली यूज वेसल है। चेस्ट वॉल आर्टरीज, पर्टिकुलरली द लेफ्ट इंटरनल मेमरी आर्टरी, आर नाउ कॉमन यूज एज ए बाईपास ग्राफ्ट, अभी जो है वो इंटरनल मेमरी आर्टरी का यूज़ किया जाता है। दिस आर्टरी इज सेपरेटेड फ्रॉम द चेस्ट वॉल एंड यूजुअली कनेक्टेड टू द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडरिंग आर्टरी, इसको चेस्ट वॉल से सेपरेट किया जाता है, और कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडरिंग आर्टरी और वन ऑफ इट्स मेजर ब्रांचेज बियॉन्ड द ब्लॉकेज। द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनल मेमोरी आर्टरी का यूज़ करने का मेजर एडवांटेज क्या होता है, दे टेंड टू रिमेन ओपन लॉन्गर देन वीनस ग्राफ्ट, जो वीनस ग्राफ्ट होता है जैसे कि सेफेनस वेन, उसके बजाय ये ओपन रहती हैं लॉन्गर टाइम तक बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम नीडेड टू सेपरेट देम फ्रॉम द चेस्ट वॉल। सर्जरी में क्या होता है, जो चेस्ट वॉल से आर्टरीज निकाल रहे हैं उनके लिए अलग से टाइम की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा टाइम की। देयरफॉर द इंटरनल मेमोरी आर्टरी मे नॉट बी यूज फॉर इमरजेंसी की कंडीशन में इनका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा टाइम यूज होता है। द aorta इज क्लैम्प्ड ऑफ फॉर अबाउट 60 मिनट एंड द बॉडी इज सपोर्टेड बाय कार्डियोवल्मोनरी बाईपास फॉर अबाउट 90 मिनट। तो जो ऑन पंप सर्जरी होती है उसमें aorta को 60 मिनट क्लैम्प किया जाता है, और जो कार्डियोवल्मोनरी बाईपास होता है वो 90 मिनट के लिए यूज होता है। द यूज़ ऑफ 3, 4 और 5, 3 ट्रिपल, 4 क्वाड्रपल और 5 क्विंटिपल बाईपासेस आर नाउ रूटीन, ये रूटीन में है अभी। प्लास्टिक ट्यूब्स आर लेफ्ट इन प्लेस टू अलाउ ड्रेनेज ऑफ एनी रिमेनिंग ब्लड फ्रॉम द स्पेस अराउंड द हार्ट मीडियास्टेनम। तो यहाँ पर क्या है, चेस्ट ट्यूब लगाई जाती हैं जिससे कि जो एक्स्ट्रा वो ब्लड वहाँ पर इकट्ठा हो गया है उसका ड्रेनेज हो सके इसके लिए। देन आता है व्हाट आर द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, इसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं यदि सर्जरी हुई है। पॉसिबल रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी इंक्लूड ब्लीडिंग ड्यूरिंग और आफ्टर द सर्जरी, ड्यूरिंग भी सर्जरी के ब्लीडिंग हो सकती है और आफ्टर भी। देन ब्लड क्लॉट्स दैट कैन कॉज हार्ट अटैक, स्ट्रोक और लंग प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉट हो सकते हैं सर्जरी के दौरान जिससे कि हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, लंग प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है इंसीजन साइट पे, न्यूमोनिया हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है, किडनी फेलियर, एबनॉर्मल हार्ट रिदम एंड फेलियर ऑफ द ग्राफ्ट एंड द डेथ। तो ये हो सकते हैं रिस्क फैक्टर। तो एक बार वापस से देखते हैं इनको, ब्लीडिंग ड्यूरिंग और आफ्टर द सर्जरी, ब्लड क्लॉट दैट कैन कॉज हार्ट अटैक, स्ट्रोक और लंग प्रॉब्लम, इन्फेक्शन एट द इंसीजन साइट, न्यूमोनिया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, पेंक्रियाटाइटिस, किडनी फेलियर, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, फेलियर ऑफ द ग्राफ्ट एंड डेथ। देन आते हैं कॉम्प्लिकेशन। रिस्क के अलावा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एग्जामिनेशंस में, कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पर डिवाइड क्या हुआ है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, हाइपोवोलेमिया, परसिस्टेंट ब्लीडिंग, कार्डियक टेम्पोनेड हो सकता है, फ्लूड ओवरलोड हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, कार्डियक फेलियर, MI, ब्रेडिकार्डिया एंड टैकी डिसरिदमिया। तो ये तो हो सकती हैं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपोवोलेमिया, परसिस्टेंट ब्लीडिंग, कार्डियक टेम्पोनेड, फ्लूड ओवरलोड, हाइपोथर्मिया, कार्डियक फेलियर, MI, ब्रेडिकार्डिया एंड टैकी डिसरिदमिया। देन पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, न्यूरोलॉजिकल हो सकती है स्ट्रोक, किडनी इंजरी एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में एक्यूट किडनी इंजरी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड अदर कॉम्प्लिकेशन में हिपेटिक फेलियर एंड इन्फेक्शन।
इसके अलावा जो हमने अभी कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़े थे उसमें यदि हम स्पेसिफाई करें तो ऑर्टिक वाल्व इनसफिशियंसी में नहीं किया जाता है CABG, एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म में नहीं किया जाता, हेमरेजिक डिजीज़ है तो नहीं किया जाता, वॉल्वुलर डिजीज़ है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, कार्डियोमायोपैथी है, लोअर एक्सट्रीमिटी एडीमा है, सीवियर हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड अरिदमिया है और प्रेगनेंसी, तो इन कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है CABG। तो वापस से देखते हैं, ऑर्टिक वाल्व इनसफिशियंसी, एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म, हेमरेज डिजीज़, वॉल्व डिजीज़, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, कार्डियोमायोपैथी, लोअर एक्सट्रीमिटी एडीमा, सीवियर हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड अरिदमिया एंड प्रेगनेंसी। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में बिफोर द प्रोसीजर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। डू नॉट टेक एनी ड्रग कंटेनिंग एस्पिरिन फॉर 3 डेज बिफोर द सर्जरी। सर्जरी से 3 दिन पहले तक एस्पिरिन जिन ड्रग में है उनको नहीं लेना चाहिए। मस्ट स्टॉप स्मोकिंग को स्टॉप करना चाहिए। नॉट ईट और ड्रिंक एनी थिंग आफ्टर मिडनाइट। मिडनाइट के बाद कुछ भी चीज़ मुँह से नहीं लें, NPO रहें। चेस्ट एक्सरे, यूरिन टेस्ट, EKG एंड ब्लड टेस्ट होने चाहिए। मेडिकेशन में एंटी प्लेटलेट थेरेपी, बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट एंड ACE इनहिबिटर यूज़ होते हैं जो कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेने चाहिए। ट्यूब और ड्रेन, पेन मैनेजमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये सब चीज़ आती हैं प्री सर्जरी। देन आफ्टर द प्रोसीजर टेकन टू कार्डियक सर्जरी इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में। वुंड केयर पे ध्यान देना चाहिए। मेंटेन हेमरेजिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वाइटल साइंस जिसमें हम मेंटेन करेंगे और चेक करेंगे। कार्डियक स्टेटस, रेस्पिरेटरी स्टेटस, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, तो ये होते हैं आफ्टर द प्रोसीजर। तो आज का हमारा टॉपिक था कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, और ये आज हमने यहाँ पर जाना कि ये क्या होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब